Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. गाइस जैसे कि आपको पता लगा गया कि रिसेंटली हमारे जो कि वाइज मैन पॉल हेमन है गाइस उनकी पिटाई हुई थी सोलो सिका के हाथों। तभी पॉल हेमन ने मना किया था कि वो सोलो सिका को उनके ट्राइबल चीफ मानने वाले हैं। अभी गाइस पॉल हेमन क्या कर सकते हैं? जैसे सबको पता है कि रोमन रेंज के जो रिटर्न के रूमर्स है, थोड़े लोग बोल रहे हैं, सोर्सेस हमको बोल रहे हैं कि रोमन रेंज आ भी सकते हैं और रोमन रेंज नहीं भी आ सकते, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि जो कि ब्लड लाइन की स्टोरी रहने गाइस उसको और इवॉल्व करने के लिए गाइस वो रोमन रेंस का रिटर्न हमको रुकवाते हुए दिखा सकते हैं। गाइस हमको इन द मीन टाइम जो कि हमारे वाइज मैन पॉन हेमन है गाइस वो उनका रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ। गाइस जैसे कि आपको पता है कि गाइस ब्रॉक लेसनर गाइस हमको समर स्लैम 2023 से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखे नहीं है, और उनके अगर रिटर्न होती है गाइस एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, तो पॉसिबली गाइस वो हमको पॉन हेमन के साथ ही रिटर्न आते हुए दिख सकते हैं। गाइस जैसे कि आपको पता है कि अभी ब्रॉक लेसनर उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट फेज में है, जहां पे उनकी रिटायरमेंट गाइस बहुत ही नजदीक आई है, इसलिए पॉसिबली गाइस वो पॉल हेमन के साथ फिर से हमको अलाइन होते हुए देख सकते हैं, जिससे गाइस हमको फिर से इनकी जोड़ी दिखेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई में और डेफिनेटली वापस से तबाही मचा सकते हैं और जो कि रहेगा एक लास्ट टाइम के लिए। अगर जर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके कीजिए ये वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और प्लस अगर जर आपको हमारे चैनल के सब वीडियोस और अपडेट सबसे पहले चाहिए तो कृपया करके हमारे बेल आइकन को भी दबा के रख लीजिए, जिससे कि आपको सब अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए।